अम्मा क्या हुआ है? मुंह क्यों उतरा हुआ है? किन सोचो में? नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही। भाई फिर भी बताएं तो, हुआ क्या है? छुपा क्यों रही है मुझसे? तुम्हारे अब्बा समाहा का निकाह कर रहे हैं उसी लड़के से जो कल शाम को आया था। क्या अब्बा, क्या हो गया? मैं पागल तो नहीं हूँ मैं? आपको पता है समाह उन लड़कियों में से नहीं है जिसके साथ जबरदस्ती की जाए। वो ना आपकी इज्जत का लिहाज करेगी ना अब्बा की। इसी बात से तो परेशान हो रही हूँ। अगर समाह ने कुछ कर दिया ना, तुम्हारे अब्बा उसकी जान ले लेंगे। तो अम्मा एटलीस्ट अब्बा को समाह को बिठा कर इस बात पर राजी तो करें। वो मानने वाली वो है कहाँ? सर मेरी लड़की है। फिर भी अम्मा ये तो कोई तरीका नहीं है ना, बात तो करें उससे। अच्छा तुम चुप करो, तुम्हारे अब्बा ने सुन ली ना तुम्हारी ये बातें तो तुम्हारी भी शामत आ जाएगी। हाँ गेहूं के साथ गुण तो हमेशा पिसता है बेचारा। अच्छा जल्दी करो, शाम के लिए सारी सफाई भी करनी है और बाकी काम भी पड़े। ऐसी बात है, सारी परेशानियां तो हम ही उठाने के लिए रह गए ना। जिसकी वजह से ये सारा बकेड़ा खड़ा हुआ है वो तो अपने कमरे में सुकून से बैठी है, सारी मुसीबतें हम उठाएं। शुक्र है तुमने दरवाजा तो खोला। कमरा ही है मॉम, मेरी कब्र तो नहीं ना जिसका दरवाजा नहीं खुल सकता। कितनी फजूल बातें कर रहे हो। फजूल बातें तो आप लोग कर रहे हैं ना, मेरी जिंदगी को कब्र ही तो बना दी है, अपनी मर्जी से हाथ पांव तो मार नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है सुदेश, तुमने जिद ही ऐसी पकड़ ली है, वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। ये मेरी जिंदगी है और इसमें मेरे काबिल कौन है और कौन नहीं है इसका फैसला मैं खुद करूंगा। तुम अच्छी तरह जानते हो जो तुम चाहते हो वो इम्पॉसिबल है। तुम्हें समझ नहीं आ रही? आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल मॉम। सी यू लेटर सुदेश। समाहा। हाँ तुम्हारे कौन से कपड़े निकालूं? कुछ भी। मेरे ख्याल में पिंक निकाल दो, आफ्टर ऑल निकाह है तुम्हारा। हाँ पिंक निकाल दो, आखिर निकाह है। मैं लाती हूँ। अच्छा मैं नहाने जा रही हूँ। सुनो तुम यहाँ मत नहाना, अम्मी के वॉशरूम में जाके नहाओ, मैं यहाँ नहा रही हूँ। चलो ठीक है।